टीएमसी नेता के घर छापा डालने जा रही ईडी की टीम पर जब हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। बता दें कि हमले के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। दरअसल ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर पर छापा मारने के लिए जा रही थी। इससे पहले कि ईडी की टीम टीएमसी नेता के घर पहुंचती, तब तक रास्ते में ही ईडी की टीम पर हमला बोल दिया गया। गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की गई, शीशे तक तोड़ दिए गए। बता दें कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के संदेख खली गांव में प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पर उपद्रवियों द्वारा हमला कर उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर उस वक्त ये हमला हुआ जब वो कथित राशन घोटाले के मामले में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक स्तर के नेताओं के आवास पर छापा मारने के लिए जा रही थी। जहां जैसे ही ईडी की टीम पर हमला हुआ तो राजनीति तेज हो गई। क्या कुछ कहा गया इस दौरान, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ वो एक प्रोवोकेशन का नतीजा था। बंगाल में जो हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं तृणमूल का किसी लीडर को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरास करने के लिए, नेगेटिव न्यूज करने के लिए भाजपा का इंस्ट्रक्शन पर ये एजेंसी वालों और सेंट्रल फोर्सेस वहां पर जा रहा है और इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है, ऐसा एलिगेशन हमारा पास आ रहा है। संदेश खाली में भी वही हुआ। अब देखिए, शुभेंदु अधिकारी सीबीआई एफआईआर नेम्ड, बीजेपी जिसको चोर बोला था, उसका घर में कोई रेड नहीं, लेकिन तृणमूल का घर देख के ही वो रेड करने चला जा रहा है और उस इलाका में प्रोवोकेशन दे रहा है। जो घटना हुआ है इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं कि जब कोई भी निरपेक्ष तदंतकारी केंद्रीय संस्था कोई भी राज्य पर जाते हैं और वो भी मामान्य उच्च अदालत के निर्देशानुसार, और जब उनके ऊपर अटैक होते हैं, इससे बड़ी निंदा का विषय हो ही नहीं सकता है। और हम ये भी कहते हैं कि जब सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान के ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरीके से ईडी की टीम पर हमला होने के बाद राजनीतिक नेताओं ने गुस्सा जाहिर किया। अब देखने वाली बात ये होगी कि हमलावर कब तक पकड़े जाते हैं।